अंबाला में बरामद हुई बारूद से भरी ये कार है। इस पूरी खबर के बाद दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक हड़कंप मच गया, क्योंकि दिल्ली को दिवाली से पहले दहलाने की खौफनाक साजिश रची गई थी। इस खबर ने हरियाणा और पंजाब की भी नींद उड़ाकर रख दी। दरअसल बुधवार रात करीब 8 बजे अंबाला पुलिस को किसी कार में विस्फोटक होने की सूचना मिली थी। ये कार कैंट रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और सेना की टीम मौके पर पहुंच गई। रात करीब 9 बजे बम स्क्वाड ने पार्किंग में खड़ी संदिग्ध इंडिका कार को घेर लिया। कार का नंबर HR03R0054 था। कार के शीशे को तोड़कर तलाशी ली गई तो विस्फोटक होने की खबर एकदम सच निकली। कार में विस्फोटक सामान से भरे दो पैकेट रखे हुए थे, जिन्हें तुरंत कब्जे में लेकर खंगाला गया। इसके बाद रात करीब 12 बजे क्रेन मंगवाकर पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियों को निकालने का काम तेजी से शुरू हो गया। रात करीब 12:30 बजे मधुबन, हिसार और लुधियाना से भी बम स्क्वाड की टीमों को बुलाया गया। रात 1:30 बजे मधुबन से पहुंचे बम स्क्वाड के दस्ते ने कार से विस्फोटक मिलने की पुष्टि की। इस बीच शुरुआती जांच में पता चला कि कार से मिली आरसी पंचकुला की राहुल ट्रेडिंग कंपनी के नाम है। इसमें सेक्टर 7 मकान नंबर 1128 दर्ज है। कार में जम्मू की एक मिठाई की दुकान का डिब्बा भी रखा हुआ था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर एडिशन के 2 अखबार भी कार से मिले हैं। ऐसे में इसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है। ये कार सीज की है अंबाला पुलिस ऑफिसर्स ने, और इसमें सस्पेक्टेड एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, टाइमर्स, डेटोनेटर्स मिले हैं। हमारी टीम्स मधुबन से भी आई हुई हैं, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, वो एग्जामिन कर रहे हैं। और डिटेल्स इस मौके पर नहीं बताई जा सकती। ऑफिसर्स आर बिजी इन इन्वेस्टिगेटिंग थॉरली। इस जंक्चर पर मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता, पर सभी ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स आर बिजी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को पिछले लंबे समय से इस कार की तलाश थी, लिहाजा कार और उसकी रजिस्ट्रेशन को अपने कब्जे में लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। उधर कार से बरामद सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। ये सारी हमारी स्पेशलाइज्ड टीम्स जो हैं, ये आई थी यहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, और उन्होंने आके इसको टेक्निकल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इसको डील किया है। तो कुछ अपेरेंटली कुछ पार्ट्स एक्सप्लोजिव डिवाइस के लग रहे हैं, उनको अब एनालाइज किया जाएगा। सारे डिटेल्स अभी नहीं बताए जा सकते, हमारी इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है। जो अपेरेंटली लगा है नंबर प्लेट शायद फेक थी इसकी, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हमारी साथ साथ पैरेलली चल रही है। तो ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं, काफ़ी सारे पहलू हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। इस बीच दिल्ली से NIA और NSG की टीम अंबाला पहुंची और मौके का मुआयना किया। इसके बाद जो खुलासा हुआ उससे हर कोई हैरत में पड़ गया, और सामने आया ISI और लश्कर का एक और खौफनाक प्लान। ऐसा प्लान जिसमें बब्बर खालसा को मोहरा बनाया गया था और निशाने पर थी राजधानी दिल्ली। तरुण कपूर, MH1 न्यूज़, अंबाला।